खबर वही जो वतन के काम आए, खबर वही जो हिंदुस्तान को जगाए, खबर जिसमें देश हो सबसे पहले, खबर जो भारत का भविष्य बदले। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार छत्तीसगढ़, आपके साथ मैं हूं अंशु। वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी खबरों का। नए साल की रात्रि धरमजयगढ़ क्षेत्र में आगजनी की एक बड़ी घटना हुई, जिसमें कुछ अज्ञात लोगों ने अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए एक किसान के खलिहान को आग के हवाले कर दिया है। आगजनी की घटना को अंजाम देने वाले तत्वों की शिकायत करने ग्रामीण आज धरमजयगढ़ थाने में पहुंचे और न्याय की मांग की। धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र के झुलनभर में एक किसान के खलिहान में अचानक आग लग गई, जिससे धान की फसल का पैरा बड़ी मात्रा में जलकर राख हो गया। आग लगने की यह घटना नए साल की रात में हुई और घटना को अंजाम देने का शक अपने ही रिश्तेदार पर किया जा रहा है। घटना झूलनभर निवासी धनी यादव के खलिहान में हुई है, जिसमें लगभग 20 से 25 ट्रॉली धान का पैरा देखते ही देखते आग की लपटों में तब्दील हो गया और पूरा का पूरा पैरा जलकर राख हो गया। हालांकि कई ग्रामीण मौके पर मदद के लिए भी पहुंचे और आग बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि ग्रामीणों की मदद भी कोई काम नहीं आई। इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को भी दी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड के दमकल की कमी और नगर पंचायत के पानी टैंकर का सही समय पर नहीं पहुंच पाना किसान सहित ग्रामीणों को कोई राहत नहीं दे पाया। क्या नाम है? धनी यादव। कहाँ के हो? झूलनभर। क्या हो गया है? वो पैरा जल लग गया था ना, इसी के विषय में। कौन जलाया? अब शंका में डमरूधर का नाम आ रहा है और कुछ लोग देखे भी हैं भागते उसको। पुराना विवाद वगैरह था क्या? हाँ, कुछ दिन पहले, सप्ताह भर पहले हुआ था पिताजी के साथ बाता बाती में ऐसे। कब जलाया पैरा? पैरा 1 जनवरी को। कितना पैरा था? लगभग पीड़ित ने बताया कि कुछ दिन पूर्व अपने ही एक रिश्तेदार से पारिवारिक विवाद हुआ था और उसी ने इस घटना को अंजाम दिया है, जिसकी लिखित रिपोर्ट धरमजयगढ़ थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस आग कैसे लगी इसका पता लगाने का प्रयास कर रही है। धरमजयगढ़ से गुरुचरण सिंह राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल की बड़ी खबरों में बस इतना ही, बाकी की छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जोहार छत्तीसगढ़। नमस्कार।